सभी को मेरा प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है कब्ज को हम कैसे ठीक करें। कब्ज का संपूर्ण चिकित्सा। कब्ज एक ऐसा रोग है जो अनेकों रोगों को शरीर में उत्पन्न कर देता है। कब्ज यदि हो जाए तो व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, अल्सर हो सकता है, एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, और कब्ज के होने से ही डायबिटीज हो सकती है। तो ऐसे तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कब्ज के कारण हो जाती है। आयुर्वेद कहता है यदि आपका पेट ठीक है तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपकी इम्यूनिटी ठीक रहती है। यदि पेट ठीक नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर पड़ जाती है। अब कब्ज होता क्यों है? कब्ज के दो मुख्य कारण हैं। एक, लीवर की फंक्शनिंग गड़बड़ होने से पेट साफ नहीं होता, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहने लगती है, गैस बनने लगती है। दूसरा, इंटेस्टाइन का मूवमेंट जब हमारा बिगड़ जाता है तो भी हमें या तो कब्ज रहने लगता है या बार बार मोशन आने लगता है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं इनका आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा समाधान दूंगा। देखिए, सबसे पहले कब्ज को यदि ठीक करना है तो हमें अपने आहार को ठीक करना होगा। अब आप कहेंगे कि हमारा आहार तो ठीक है, हम ठीक से खाना खाते हैं, लेकिन मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि कुछ खाने से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जो नियम भोजन के थे, वो आज की पीढ़ी भूल चुकी है, उन्हें हमें वापस अपने जीवन में अपनाना होगा। तो इस वीडियो में मैं आज आपको वही कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, आप जब भोजन करते हैं तो आपका मन शांत होना चाहिए। शांत मन से ही भोजन आप ग्रहण करें। भोजन जब आपका मन शांत है तो ऐसा भोजन आपको स्वास्थ्य देगा, आपकी आयु को बढ़ाएगा, आपके मन को तृप्ति देगा। और यदि आपका मन शांत नहीं है तो इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। उल्टा शरीर को उस भोजन को पचाने में और एनर्जी जो लगती है वो आपकी व्यर्थ चली जाती है। तो मन को शांत करने के लिए आप सभी ने देखा होगा, हमारे यहाँ एक विधि थी आयुर्वेद। दरअसल में जितना भी जो ज्ञान, ये जीवन से संबंधित जो ज्ञान है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, वो आयुर्वेद का ज्ञान है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसका एक विधि बताई, एक भोजन का एक मंत्र बताया, जिसको आप भोजन करने से पूर्व आप ज़रूर करें तो आपका मन शांत हो जाता है। भोजन से आपकी एक कनेक्टिविटी मिल जाती है, आप भोजन से जुड़ जाते हैं, भोजन आपसे जुड़ जाता है। तो मंत्र क्या है मैं आपको बताता हूँ, और स्क्रीन पर भी आप देखें वो मंत्र, आप उसको नोट करें, रोज़ रिपीट करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। आप इसे ठीक से बोल पाएंगे जब आप इसको रोज़ रिपीट करेंगे, इस मंत्र को। तो मंत्र क्या है? ओम अन्नपते नस्सु देहानमिवस्य सुस्मिना प्रपदातारं तारिशोर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से भोजन का मंत्र करते हुए, शांति का अनुभव करते हुए आप भोजन को प्रारंभ करें। अब यदि आप कहें कि मुझे भोजन का मंत्र उच्चारण करना नहीं आता है, तो आप दोनों हाथों को जोड़ें सहजता पूर्वक। आप परमपिता परमात्मा, उसे जिस रूप में भी आप मानते हैं, प्रार्थना करें कि आपने जिस प्रकार से मुझे भोजन प्रदान किया है, इसी प्रकार से आप संसार के सभी प्राणियों को भोजन प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करें, और जो भोजन आपने मुझे प्रदान किया है ये मेरे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, मेरे लिए आयुवर्धक हो, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसा तो आप सभी लोग बोल ही सकते हैं, मुश्किल से कुछ सेकंड्स का काम है ये, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। आपके साइंटिफिकली यदि हम देखते हैं तो आपके जो जूसेज हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं।
जिससे जो भी आप भोजन शरीर को देते हैं उसका ठीक से पाचन होता है, वह आपके शरीर में रोग उत्पन्न नहीं करता। दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि भोजन करते समय आप बातें ना करें, आप टीवी मोबाइल का प्रयोग ना करें, मोबाइल को अपने से थोड़ा दूर रखें जब आप भोजन करें, उस समय भोजन से ही कनेक्ट रहें, मोबाइल से कनेक्टिविटी आप ना रखें। तो शांत मन से आप भोजन करते रहें और फील करें कि आपको कितनी भूख है, जितनी भूख है उससे आधा भोजन करें, क्योंकि यदि आपने पूरा स्टमक को भोजन से ही भर लिया, आहार से भर लिया, तो उसके पाचन के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं बचती। जैसे आपने आपके घर में वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी है कि इतने ही आप इसमें कपड़े डालें, उससे यदि आप ज़्यादा डालते हैं तो वो कपड़े घूम नहीं पाते, और जब कपड़े घूमेंगे नहीं तो कपड़ों की धुलाई नहीं हो सकती, उसका मल नहीं निकल सकता। इसी तरह से हमारे स्टमक में भी जब आप भोजन लेते हैं तो उसको भोजन को पचने के लिए एक स्पेस चाहिए, यदि आपने उसको स्पेस नहीं दिया तो भोजन नहीं पचेगा, भोजन सड़ेगा आपके स्टमक पर, जब भोजन सड़ेगा तो रोग उत्पन्न करेगा, आपकी बॉडी में तमाम तरह के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम होंगी। तो आपको जितनी भूख है, भूख को जज करना है, देखना है अपनी भूख को, और उससे आधा भोजन करना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आप अपने भोजन में कम से कम 50% जितना आप भोजन करना चाहते हैं उसका आधा भाग कम से कम आप सलाद खाएं, कच्ची सब्जियां प्रयोग करें। भोजन जो आपने दाल सब्जी चावल जो आप खाते हैं आपकी प्लेट में जो है, उससे पहले आप सलाद लें, आधा कम से कम 50% आप सलाद से अपना पेट को भरें, और फिर जो बाकी भूख है आपको जो भोजन करना है वो आप दाल रोटी सब्जी चावल जो आपको खाना है वो आप खाएं। तो इस तरह से यदि आप भोजन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका भोजन ठीक से डाइजेस्ट होगा, आपका भोजन पचेगा और आपके कब्ज की प्रॉब्लम का पूर्णतः समाधान होगा। आप बहुत सारे मार्केट से जो दवाइयाँ खाते रहते हैं पेट साफ करने के लिए, तमाम तरह के चूर्ण, तमाम तरह की दवाइयों का आप प्रयोग करते रहते हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह की जो मार्केट में जो इस तरह के जो चूर्ण या दवाइयाँ जो आती हैं उनका आप प्रयोग न करें अपने आप। इनमें कई बार सनाई की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में डाल दी जाती है, जिससे आपका पेट तो साफ होता है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपकी आंतों में ड्राइनेस आ जाती है, जिस कारण से आपको आंतों से संबंधित कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप त्रिफला का प्रयोग करें, जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज की प्रॉब्लम, वैसे तो आहार में परिवर्तन करने से आप देखेंगे 7 दिन के अंदर आपको कब्ज में काफ़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी यदि आपको बहुत ज़्यादा कब्ज की प्रॉब्लम है तो आप त्रिफला पर आ जाएं, त्रिफला का प्रयोग करें। त्रिफला 1 चम्मच लें, आधा चम्मच सौंफ, आपके घर में सबके सौंफ अवेलेबल है, आप आधा चम्मच सौंफ उसमें डालें, और 2 चुटकी सौंठ पाउडर, इसको लगभग 1.5 गिलास पानी में डालकर उबाल लें, आधा गिलास पानी जब शेष रह जाए, उबालते समय उसको ढक दें, सिम में उबालें, तेज़ आँच में उसको ना उबालें, जब आप उसको पूरा काढ़ा बन जाए सोने से 1 घंटा पहले आप उसका प्रयोग करें, छानकर उसको पीना है आपको, और पीकर आप 1 घंटे बाद सो जाइए। रात के भोजन को भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, रात का जो भोजन है उसे आप सोने से कम 2.5 घंटे पहले ज़रूर कर लें। जब आप सोने जाएं तो आपका स्टमक बिल्कुल खाली होना चाहिए, पाचन क्रियाएँ ताकि ठीक से इंटरनल आपके चलती रहें, और सुबह जब आप उठें तो आपका पेट साफ हो जाए, और रात को समय से भोजन करने से, जल्दी भोजन करने से उसके कई तरह के लाभ होते हैं, आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। जनरली हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो होती है वो रात में जब आप लेट नाइट भोजन करते हैं, भारी भोजन करते हैं, तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और गैस का अटैक आपके हार्ट की तरफ आ जाता है, वो हार्ट को बंद कर देता है, हार्ट की कार्य प्रणाली रोक देता है और हार्ट अटैक हो जाता है, बहुत सारे कई बार मृत्यु कारण यही रहता है। तो आप रात के समय से भोजन करें, कम से कम 2.5 घंटे पहले भोजन करें, और रात का भोजन बहुत हल्का होना चाहिए तो भी आपका पेट सुबह अच्छे से साफ होगा। तो त्रिफला मैंने आपको बताया, त्रिफला का आप प्रयोग करें। अब जिनको इतना सब कुछ करने के बाद भी, पहले आप अपने खान पान में चेंज करें, जिनको थोड़ा ज़्यादा कब्ज की प्रॉब्लम है तो त्रिफला सौंफ और सौंठ का प्रयोग करें, इसके करने के बाद भी जिनको अगर लाभ नहीं होता
तो आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है इसका। तो लीवर को ठीक करने के लिए आप, इसकी अलग चिकित्सा है, इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपको, आप कंसल्ट करें ऑनलाइन ही। आजकल कोरोना के कारण से ऑनलाइन कंसल्टेंसी चल रही है, तो आप ऑनलाइन कंसल्ट करें और आपको कुरियर के द्वारा आपके घर पर ही दवाई भेज दी जाती है। तो आप पहले अपने आहार को ठीक करें, फिर भी अगर आपको आराम नहीं मिलता तो आप त्रिफला का प्रयोग करें, फिर भी नहीं मिलता तो आप फिर यहाँ से आरोग्यम से इसकी संपूर्ण चिकित्सा आप ले सकते हैं, क्योंकि फिर ये लीवर का आपका इशू है। तो आप सभी लोग अपने पेट को ठीक रखें, कब्ज से मुक्ति पाएं। आप सभी के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। निरंतर योग करें और तनाव से मुक्त रहें। कोरोना में तनाव सबसे खतरनाक स्थिति है, तो तनाव से मुक्त रहें, इसके लिए ध्यान करें, नियमित रूप से योग का अभ्यास करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।